हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आबिद शेख। आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि आप R32 गैस की गैस चार्जिंग आप कैसे कर सकते हैं। तो इसके बारे में मैं आप लोगों को पूरी डिटेल से बताऊंगा, फुल स्टेप बाय स्टेप करके बताऊंगा। तो आप R32 गैस के गैस चार्जिंग करना प्रॉपर तरीके से सीख जाएंगे, और वो चाहे R410 हो या R22 हो या R32 हो, आप इन सभी गैस की गैस चार्जिंग करना अच्छे तरीके से सीख जाएंगे। तो वीडियो में बने रहे दोस्तों। तो सबसे पहले हम इस चीज़ को वैक्यूम करेंगे। इसमें हमारा गैस लीकेज था तो इसको हमने रिपेयर कर दिया है। तो इसको हमने सबसे पहले वैक्यूम करेंगे, उसके बाद गैस चार्जिंग करेंगे। वैक्यूम हमारा R32 और R410 में हमारा वैक्यूम करना बहुत ही ज़रूरी होता है दोस्तों। अगर हम आप इसको वैक्यूम नहीं करते हैं, बिना वैक्यूम किए ही आप गैस चार्जिंग कर देते हैं, तो हमारा इसमें कूलिंग आपको प्रॉपर तरीके से नहीं करेगा और हमारा आगे चल के आपका चॉकिंग का प्रॉब्लम भी आ सकता है। तो इसीलिए आप इसको वैक्यूम करके ही आप गैस चार्जिंग जब भी करें, वैक्यूम करके गैस चार्जिंग करें, तभी हमारा एसी अच्छी तरीके से कूलिंग करेगा। और इसमें कैसे कैसे पाइप कनेक्ट किया जाता है दोस्तों, इसके बारे में आप लोगों को बता देता हूँ। तो जो इसके मिडिल में हमारा जो पॉइंट दिया हुआ है, जिसमें अभी हमने पाइप कनेक्ट किया है, तो इसका दूसरा छोर हमारे वैक्यूम पंप में कनेक्ट हो जाएगा। और इसके बगल में एक और जो हमने पाइप कनेक्ट किया है, ये ब्लू वाले घड़ी के जो सीधे में नीचे में है, उसमें जो हमने पाइप कनेक्ट किया है, इसका दूसरा छोर हमारे आउटडोर यूनिट में कनेक्ट हो जाएगा। तो जैसे जैसे बताया हमने दोस्तों, इसी तरीके से आपको भी करना है। तो ये हमारा पाइप कनेक्ट हो चुका है, अब वैक्यूम पंप को स्टार्ट करेंगे। तो ये हमने वहाँ से स्विच देके वैक्यूम पंप को स्टार्ट कर दिया। यहाँ से हमारा बल्ब बंद था तो इसको हम लोग ओपन करेंगे। अब हमारा ये एसी वैक्यूम हो रहा है, तो इसको हम लोग 10 मिनट तक लगभग हम इसको वैक्यूम करेंगे। अभी देख सकते हैं हमारा कांटा जो है अभी सिफर पर है, तो अभी मिडिल में है, इसका पूरा एंड तक लास्ट तक चला जाएगा, तब तक हम इसको वैक्यूम करेंगे। तो एसी को अच्छी तरीके से वैक्यूम होने देते हैं दोस्तों। तो वीडियो को थोड़ा सा स्किप करते हैं, आपको हम 10 मिनट तक वेट नहीं करा सकते हैं। तो वीडियो को हमने थोड़ा सा स्किप किया दोस्तों। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे काटा हमारा पूरा सिफर के एंड तक आ चुका है, ये हमारा एसी अच्छी तरीके से वैक्यूम हो गया है। तो इसको आप बल्ब को यहाँ से हम बंद कर रहे हैं, तो आपको वैक्यूम पंप चालू कंडीशन में यहाँ से इसको बल्ब को बंद करना है, उसके बाद हम इसको यहाँ से ऑफ करके पाइप को खोलेंगे। तो इसको इस पाइप को खोल के हम इसको सिलेंडर में हम कनेक्ट करेंगे। तो आप इसको यहाँ से कनेक्ट कर देते हैं अच्छी तरीके से, उसके बाद हम इसमें गैस चार्जिंग करेंगे। तो ये हमारा कनेक्ट हो चुका है, अब इसको बल्ब को हम ओपन कर लेते हैं इसके। तो इसको सलाई रेंज को आप अच्छे तरीके से वहाँ पे कनेक्ट करें दोस्तों, ताकि हमारा वहाँ पे स्लिप वगैरह ना करे, तो उसका जो उसका गुना होता है, घाट होता है, वो ख़राब हो जाएगा। तो हमारा साथ एक मेरा भाई है जो इसको खोल रहा है, तो देख सकते हैं ये हमारा पूरा हाथ पैर सब लगा दिया है इसको खोलने के लिए, आउटडोर के ऊपर ही चढ़ गया है। तो ये हमारा वहाँ से बल्ब हमारा ओपन हो चुका है, अब इसमें गैस चार्जिंग करेंगे। तो इसको गैस चार्जिंग करेंगे अब धीरे धीरे। तो उससे पहले हमारा जो इसमें पाइप हमने वहाँ से खोला था, तो इसके अंदर एयर वगैरह चला गया था दोस्तों। तो आप जब भी गैस चार्जिंग करें, उससे पहले यहाँ से हम आपको पाइप को थोड़ा सा खोल के इसका गैस जो भी एयर इसमें पाइप में गया था, तो उसको गैस के साथ इसको एयर को उड़ा लेंगे, उसके बाद इसमें गैस चार्जिंग करेंगे। तो हमने उसको उड़ा दिया, अब इसमें गैस चार्जिंग कर रहे हैं। तो हमने थोड़ा सा इसमें अभी गैस फिल किया है, तो आप देख सकते हैं ये हमारा 80 PSI तक हमारा गैस चार्ज हो चुका है। इसके बाद हम इसमें लीकेज टेस्ट करेंगे, जहाँ पे हमने इसको रिपेयर किया था वहाँ पे एक बार फाइनल बार इसमें लीकेज टेस्ट करके कंफर्म हो लेंगे कि वो हमारा लीकेज बंद हो गया है, तभी हम इसमें पूरा गैस फिल करेंगे। तो इसमें हमारा फ्लेयर से लीकेज था, तो इसको हमने रिपेयर कर दिया है। तो इसको एक बार हम लास्ट टाइम इसमें लीकेज टेस्ट कर लेंगे, तभी हम इसमें पूरा गैस फिल करेंगे। तो आपको भी इसी तरीके से करना है दोस्तों, आप जब भी इस तरह से रिपेयर करके गैस फिल करें, तो आप थोड़ा सा गैस फिल करके आप इसमें लीकेज टेस्ट कर लें एक बार, उसके बाद ही आप पूरा गैस चार्ज करें। वरना आपको अगर फिर से अगर बाय चांस उसमें लीकेज हो गया, अगर वो प्रॉब्लम आपका सॉल्व नहीं हुआ वहाँ से, तो आपको फिर से अब इसको गैस चार्ज कर दिए होंगे, तो उसको फिर से गैस बैक करना होगा, फिर से रिपेयर कीजिएगा, तब इसको गैस चार्ज कीजिएगा, तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। इसीलिए आप एक बार फाइनल बार इसे एक बार चेक कर लें, उसके बाद ही आप इसमें पूरा गैस फिल करें। तो हमने इसमें चेक कर लिया दोस्तों, यहाँ से हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं है, लीकेज हमारा पूरी तरीके से बंद हो गया है। तो अब हम इसमें धीरे धीरे करके गैस चार्ज करेंगे। तो अभी हमारा एसी बंद है दोस्तों, इसको स्टार्ट करेंगे, उसके बाद ही हम इसको रनिंग कंडीशन में इसमें पूरा गैस चार्ज करेंगे। तो अभी आप देख सकते हैं हमारा स्टैंडिंग प्रेशर 160 था, तो अब हम आ गए हैं इसको इंडोर की तरफ। हम इसको स्टार्ट करके इसका टेम्परेचर 16 पे सेट कर देंगे,
तब आपको कूलिंग प्रॉपरली पता चलेगा। तो इसको स्टार्ट कर दिया, अब हम लोग चलते हैं आउटडोर की तरफ। अब देख सकते हैं हमारा आउटडोर स्टार्ट हो गया है, तो इसका प्रेशर अभी घटा होगा दोस्तों। इसको आपको गेज मीटर में आपको दिखा देते हैं, जितना हमने पहले चार्ज किया था 160 PSI प्रेशर था, तो स्टार्ट करने के बाद इसका प्रेशर घटता है। तो आप देख सकते हैं हमारा अभी लगभग 70 PSI प्रेशर तक हमारा है। तो अभी AC को थोड़ा सा चलने देते हैं लगभग 3-4 मिनट, उसके बाद हम इसमें धीरे धीरे करके गैस चार्ज करेंगे। तो वीडियो को हमने थोड़ा सा स्किप किया है दोस्तों, तो आप देख सकते हैं हम इसमें धीरे धीरे करके गैस चार्ज कर रहे हैं। इसी तरीके से आपको भी करना है। तो R32 में जो हमारा रनिंग प्रेशर होता है दोस्तों, वो हमारा 130 PSI प्रेशर होता है, और जो इसका स्टैंडिंग प्रेशर होता है जब हमारा AC बंद होता है, उस समय हमारा 250 इसका स्टैंडिंग प्रेशर होता है। तो इसका रनिंग प्रेशर हम इसको 130 PSI प्रेशर तक हम इसमें गैस चार्ज करेंगे। तो इसको धीरे धीरे करके गैस चार्ज करेंगे हम। तो इसका पाइप को आप इस तरह से छू के आप चेक कर सकते हैं इसका कि हमारा इसमें गैस चार्ज हो रहा है, तो हमारा इसका कूलिंग हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो अभी हमारा भी थोड़ा सा ही गैस इसमें चार्ज हुआ है, तो अभी हमारा पाइप हल्का चिल हुआ है दोस्तों। तो अभी हम इसमें थोड़ा सा और गैस चार्ज करेंगे, तो अभी हमारा डिस्चार्ज पाइप पे हमारा आइस आने लगेगा। तो अभी हम इसमें जब हमारा गैस कम होता है दोस्तों, तो हमारा क्वार्टर पाइप में आइस आता है डिस्चार्ज पाइप में। तो आप देख सकते हैं हमारा क्वार्टर पाइप में आइस आने लगा है, मतलब हम अभी हमारा गैस इसमें कम है। तो अभी हम इसमें थोड़ा सा और गैस चार्ज करेंगे, तो इसका आइस जो है वो गल जाएगा। तो इसी तरीके से हम इसमें धीरे धीरे करके गैस चार्ज करेंगे दोस्तों। तो इस AC में हमारा 860 ग्राम गैस होता है, तो इसके स्टिकर में भी लिखा हुआ है दोस्तों, तो ये हमारा क्लियर नहीं आ रहा है। तो इसके स्टिकर में लिखा हुआ है 860 ग्राम, तो हम उतना ही इसमें गैस चार्ज करेंगे। तो हम इसके गेज मीटर से नाप के डाल रहे हैं दोस्तों, आप चाहे तो इसको वजन से भी आप इसमें गैस चार्ज कर सकते हैं। आप उस गैस का वजन कर लें, आपके सिलेंडर में कितना गैस है वो आप उसके हिसाब से वजन से आप इसमें गैस चार्ज कर सकते हैं। तो हम इसमें सिर्फ गेज मीटर से आपको नाप के डाल रहे हैं। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि हम अपने सिलेंडर को उल्टा करके इसमें गैस चार्जिंग कर रहे हैं। इससे क्या होता है कि दोस्तों हमारे AC में सिर्फ लिक्विड ही सिर्फ चार्ज होता है, जो हमारे AC के लिए बढ़िया है दोस्तों। अगर आप इसको सिलेंडर को सीधा करके गैस चार्जिंग कीजिएगा, तो हमारे AC में एयर वगैरह चला जाएगा, जिससे हमारे AC में कूलिंग में इफ़ेक्ट पड़ेगा दोस्तों। तो आपको भी इसी तरीके से करना है, आपको सिलेंडर को उल्टा करके ही गैस चार्जिंग करना है। तो हमारे AC अभी सिलेंडर में हमारा गैस ख़त्म हो गया दोस्तों, तो हम इसमें दूसरा सिलेंडर को अटैच करेंगे। तो हमने इसमें दूसरे सिलेंडर को कनेक्ट कर दिया है, तो इस सिलेंडर को फिर से उल्टा करके हम लोग रख देंगे। तो आपको भी इसी तरीके से सिलेंडर को उल्टा करके ही गैस चार्जिंग करना है। तो आप देख सकते हैं हमारा गैस चार्ज हो रहा है, तो इसी तरीके से हम धीरे धीरे करके गैस चार्ज करेंगे। इसमें थोड़ा सा ही अब रह गया है गैस चार्ज करना। तो आप इसके आउटडोर के हीट को भी आप चेक कर सकते हैं कि हमारा गर्म हवा आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर हमारा गर्म हवा आ रहा है आउटडोर से, तो हम समझ जाइए कि हमारा AC अच्छी तरीके से कूलिंग कर रहा है। अगर हमारा गर्म हवा नहीं आ रहा है, तो हमारा AC कूलिंग नहीं कर रहा होगा, आप उसको चेक करें। तो हमारा गर्म हवा आ रहा है अच्छा, तो हमारा AC कूलिंग कर रहा होगा। थोड़ा सा ये अब रह गया है गैस चार्ज करना, तो ये हमारा गैस चार्ज हो ही गया है लगभग। तो हमारा गैस चार्ज हो गया है, 130 PSI प्रेशर हमारा पहुँच गया है हमारे घड़ी में। तो इसके बाद इसके बल्ब को हम अच्छे तरीके से बंद कर देंगे। ये हमारा गैस चार्जिंग हो चुका है, इसी तरीके से आपको भी करना है दोस्तों। तो इसके सिलेंडर के बल्ब को हम अच्छे तरीके से टाइट कर देंगे, ताकि हमारा गैस वगैरह लीक ना हो सिलेंडर से। इसको स्लाइरिंग से अच्छे तरीके से टाइट कर देंगे। तो इसके बाद हमारे पाइप में भी कुछ गैस रह जाता है, उसे भी हम इसको यहाँ से खोल के हम इसे पिला देंगे। तो ये हमारा गैस चार्जिंग हो चुका है फाइनल दोस्तों। तो इसको आपको दिखा देते हैं हमारा, तो 130 PSI प्रेशर तक हमारा गैस चार्ज हो चुका है। तो आप देख सकते हैं हमारे घड़ी में 120 और 140 के बीच में हमारा सुई है, ये 130 प्रेशर हमारा पहुंच चुका है। तो इसी तरीके से आपको भी गैस चार्ज करना है दोस्तों। तो और इसके पाइप को जो चेक करें, तो हमारा पाइप भी बढ़िया स्वेटिंग कर रहा है दोस्तों। ये हमारा देख सकते हैं हमारा सक्शन और डिस्चार्ज दोनों हमारा कूलिंग बढ़िया, इसका सक्शन भी हमारा बढ़िया कूलिंग कर रहा है, इससे पानी भी स्वेटिंग कर रहा है। पानी स्वेटिंग करने का मतलब है हमारा AC बढ़िया कूलिंग कर रहा है अच्छे तरीके से। तो ये हमारा गैस चार्जिंग फाइनली हो चुका है दोस्तों, और हमारे सक्शन और डिस्चार्ज पाइप से पानी भी बहुत अच्छे तरीके से स्वेटिंग कर रहा है। और हमारे आउटडोर में हीट चेक करें इसका, तो हमारे गर्म हवा भी बहुत अच्छे तरीके से आ रहा है। इसका मतलब है हमारा AC बहुत अच्छा कूलिंग कर रहा है दोस्तों। आप इसमें एम्पियर मीटर भी लगा के आप चेक कर सकते हैं, आपका एम्पियर भी आपका परफेक्ट बताएगा। तो R32 गैस का गैस चार्जिंग आप करना सीख गए होंगे दोस्तों। अगर आप R32 गैस का गैस चार्जिंग करना सीख गए, तो आप R410 का भी गैस चार्जिंग आसानी से कर लीजिएगा।
तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इसी तरह का नॉलेजेबल वीडियो मैं रेगुलरली अपने चैनल पे आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। तो चलिए मिलता है अगली वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय।